खबर जावरा से है, जहां विश्व प्रसिद्ध हुसैन टेकरी की शरीफ पर 17 मार्च की रात होली का आयोजन किया जा रहा है, जो कि कौमी एकता की मिसाल कहलाता है। होली के आयोजन में दूर दराज से तकरीबन 50,000 श्रद्धालुओं के आने की संभावना है, जिसे लेकर तैयारियां भी पूर्ण। एक सप्ताह में 2 बार रतलाम कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम और SP अभिषेक तिवारी हुसैन टेकरी का दौरा कर चुके हैं। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के कारण 2 वर्षों से यहां ये आयोजन नहीं हो सका है। अब सभी धार्मिक स्थलों को खोला गया है, जिसमें हुसैन टेकरी भी शामिल है, और इसी के कारण अब की बार ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। एडिशनल SP सुनील पाटीदार और SDM हिमांशु प्रजापति आयोजनकर्ता वक्फ कमेटी के सदस्यों के साथ हर बारीकी पर नजर बनाए हुए हैं। आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। बताया जाता है कि होली की रात लोवान धूनी होगी, जिनकी बड़ी मान्यता है। 4,000 लकड़ी की बल्लियां लगाकर सेक्टर बनाए जा रहे हैं। हुसैन टेकरी का पूरा एरिया 265 बीघा क्षेत्र में फैला हुआ है। आने वाले जैरीनों की सुविधा के लिए जरूरी इंतजाम भी किए गए हैं। वहीं मैदान में अस्थायी शौचालय, मेडिकल सेवाएं, पीने के पानी, लाइट के इंतजाम भी बड़े स्तर पर किए गए हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल सुरक्षा के लिए मौजूद रहेगा और राजस्व अमला पटवारी से लेकर कोटवार भी रहेंगे। दुकानदार, लॉज और होटलों पर अच्छी व्यवस्था के भी निर्देश दिए जा रहे हैं। यहाँ पर ज़मीन है जिन पे लोगों ने फसल बो रखी थी, वो उन्होंने एक लीज एग्रीमेंट के तहत बोई थी, और उस लीज एग्रीमेंट के तहत एक सब क्लॉज था कि अगर किसी भी तरह के आयोजन, जैसे चैलूम होता है या होली का, तो अगर आयोजन के लिए ज़मीन की आवश्यकता पड़ती है क्राउड मैनेजमेंट के लिए, तो वो उन्हें वो ज़मीन देनी पड़ेगी और किसी भी तरह का मुआवजा प्रदान नहीं किया जाएगा। सर, राजस्व डिपार्टमेंट की तरफ से क्या पटवारियों की कोटवारों की ड्यूटी लगाने का प्रावधान? बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर मैनेजमेंट के लिए किसी को भी ड्यूटी लगाई जा सकती, तो उसके अंदर हम कोटवार, पटवारी और नायब तहसीलदार, तहसीलदार सभी की ड्यूटी लगाएंगे। ओके सर, थैंक यू। हम तो बहुत प्रशासन जो चाहता था उस पर 100% हम खड़े उतर रहे हैं। कितने सेक्टर में विभाजित किया गया है, कितनी बल्लियाँ इस वक्त लग चुकी हैं, पहली बार इतना बड़ा आयोजन होने जा रहा है? यहाँ पे लगभग 4 सेक्टर में इसको बांटा है हमने, और बल्लियाँ तो कम से कम 3,000 से अधिक लगी। पहली बार होली पे देखा जाए तो इतना बड़ा इंतजाम हो रहा है? इंतजाम इसलिए अच्छा करा है, यहाँ पर जो आने वाले जायरीन श्रद्धालु है उनको किसी भी प्रकार की अव्यवस्था ना हो। हमारा पूरा प्रयास यही रहेगा, प्रशासन का भी है, हमारे कमेटी का भी है, और यहाँ के जितने भी कर्मचारी, एक एक कर्मचारी पूरा अच्छा सहयोग कर रहा है इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। क्राउड किस प्रकार का रहेगा, कितनी जनता आने की संभावना है, कितने जायरीन आएंगे? जायरीन कम से कम 40,000 से 50,000 आने की संभावना है। कौन कौन से डिपार्टमेंटों की व्यवस्थाएं रखी गई हैं यहाँ पर? डिपार्टमेंट पुलिस प्रशासन है, स्वास्थ्य विभाग है, नगर पालिका है, आसपास के जो ग्राम पंचायत हैं, सब तरफ से सुविधाएं मिल रही है। इसमें पुलिस बल भी अधिक लगेगा, नगर सुरक्षा से भी? आज से 3-4 दिन पूर्व कलेक्टर सर और SP सर ने यहाँ का विज़िट किया था। उस समय सर ने जो है हम लोगों को कुछ निर्देश दिए थे, उस निर्देश के अनुरूप आज SDM साहब, SDOP साहब और हम लोग ये देखने आए थे कि कार्य कैसा चल रहा है। उसमें चूंकि अभी जो दिख रहा है, आपने भी पीछे शूट किया था काफ़ी समय, तो उसमें जो चीज़ें चल रही हैं उसमें कुछ निर्देश दिया है आप लोगों को। बाकी यहाँ जो जायरीन आ रहे हैं उनकी सुविधा और उनकी सुरक्षा के हिसाब से कैसे और इंतजाम कर सकते हैं, कमेटी के साथ में डिस्कस किया और कुछ निर्देश उनको दिए हैं। कितनी संभावना है सर, कितनी जनता आ सकती है? अब इसमें अभी एकदम बता पाना तो मुश्किल है, पर चूंकि पिछले 2 वर्षों से कोई कार्यक्रम बड़े हुए नहीं है, और बाकी जो त्योहारों में जो जिस हिसाब से हम लोग देख रहे हैं, लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, उत्साह के साथ कर रहे हैं, तो वैसे संभावित है कि पिछले वर्षों में आने वाली भीड़ से 1.5 गुना या 2 गुना आने की संभावना है। सर, मेला क्षेत्र में कितने सेक्टर में विभाजित किया गया सर? ये मेला क्षेत्र अलग है, ये हम लोगों ने इसको बनाया है होलिका के दिन जो लोभान की विशेष व्यवस्था रहती है उसके हिसाब से बनाया है। इसको 4 अलग अलग सेक्टर्स में बांटा है, जिनको सब सेक्टर्स में बांटेंगे। एक क्राउड मैनेजमेंट का एक थ्योरी रहती है, उस थ्योरी के आधार पर हम इसको कर रहे हैं। सर, वॉलंटियर भी लगेंगे इसके साथ सर, नगर सुरक्षा समिति भी लगेंगे इसमें? सिर्फ नगर रक्षा समिति ना, इसमें सारे लोग लगेंगे इसमें। ये प्रशासन से भी हम लोग काफ़ी लोग लगेंगे इसमें, पुलिस की तरफ से व्यवस्था लगेगी, कोटवार रहेंगे, नगर सुरक्षा समिति के सदस्य रहेंगे, और कमेटी को भी हमने जो है वॉलंटियर्स के लिए बोला है, क्योंकि वहाँ उस दिन अलग अलग तरीके की कई प्रकार की व्यवस्थाएँ होती हैं, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हों जो वहाँ सेवा देना चाहते हैं, उनको हम शामिल करेंगे।